मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ब्लॉक इकाई द्वारा कर्मचारियों की स्थानीय लंबित मांगों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बुरहानपुर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने शिक्षक संवर्ग की लंबित मांगों को निराकरण के लिए मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कोटवे के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी को ज्ञापन सौंपा। प्रमुख मांगे हैं राज्य शिक्षा सेवा और नवीन शिक्षक संवर्ग के 12 से और 24 वर्ष की क्रमोन्नति वेतन के आदेश हो चुके हैं। उनका वेतन रेस कर एरियर का भुगतान शीघ्र किया जाए। नवीन शिक्षक संवर्ग के सभी संवर्गों का महंगाई भत्ते का एरियर का भुगतान शीघ्र किया जाए। साल 13 और 14 में माध्यमिक शिक्षक से पदोन्नत हुए उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के द्वितीय क्रमोन्नति आदेश शीघ्र जारी किए जाएं। समयमान वेतनमान के आदेश शीघ्र जारी किए जाएं। राज्य शिक्षा सेवा और नवीन शिक्षक संवर्ग से सेवानिवृत्त और मृत शिक्षकों की आर्थिक सत्वों NPS ग्रेजुएटी बीमा का भुगतान शीघ्र किया जाए। नवीन संवर्ग के शिक्षकों को 100% वेतन का भुगतान शीघ्र किया जाए। नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का संधारण करने हेतु प्राचार्य को पत्र जारी किया जाए। समस्त संलग्नीकरण समाप्त किया जाए। उर्दू माध्यम की शालाओं में कार्यरत हिंदी माध्यम के शिक्षकों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए। ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कोटवे ने कहा कि कितनी शुभचिंतक सरकार है, दीपावली त्योहार के केवल 2 दिन पहले वेतन भुगतान को मुख्यमंत्री का तोहफा बना दिया। ये तोहफा नहीं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक है जो नियमानुसार भी है। यदि तोहफा सरकार को देना ही है तो कर्मचारियों का लंबित 7% महंगाई भत्ते का भुगतान यथाशीघ्र दीपावली त्योहार के पूर्व करें। किस बात का धरना था आज? आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा शिक्षकों एवं कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर ब्लॉक स्तरीय ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित हुए। इसमें हमारी मुख्य मांग थी कि जो क्रमोन्नति आदेश है 12 एवं 24 वर्ष के हुए हैं तो उसको रेस करके उनका एरियर दिया जाए। साथ ही DA का जिन कर्मचारियों शिक्षकों को एरियर प्राप्त नहीं हुआ है वो एरियर्स का भुगतान शीघ्र किया जाए। जिन शिक्षकों की परिवेक्षा अवधि 3 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उनके नियमितीकरण के आदेश शीघ्र जारी कर उनको 100% वेतन दिया जाए। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी समस्याएं थी जिसको लेकर जो है आज जिला शिक्षा अधिकारी महोदय एवं DPC महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है और निवेदन किया गया है कि इसका समस्याओं का निराकरण शीघ्र से शीघ्र करें, अन्यथा दिवाली के पश्चात जो है हम आंदोलन करेंगे जिसका संपूर्ण दायित्व जो है शासन प्रशासन का और आपका रहेगा। मैं सुनील कोटवे, ब्लॉक अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ बुरहानपुर।